हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं होंगे बहुत खुश होंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था बिलव टोकन को लेके, क्योंकि अभी मैंने कई वीडियो अपलोड की है जो बिलव गोल्ड को लेकर अपलोड की है, और बिलव गोल्ड के बारे में बहुत सारे लोगों को अभी जानकारी नहीं है। कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है बिलव गोल्ड, ठीक है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए आप हमारी वीडियो को देखिए, समझिए। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए बिलव गोल्ड को लेके, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी बिलव गोल्ड के बारे में दूंगा। तो चलिए, बिलव टोकन को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, और मार्केट में बहुत सारे फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं। लोग, जितने भी बिलव कम्युनिटी है, सब लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 22 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उसमें उमर खान सर ने एक चीज़ बताई थी कि बिलव जो टोकन था वो क्वाइन बनने जा रहा है, ठीक है। क्वाइन का मतलब हुआ कि जिसका खुद का ब्लॉकचेन हो, खुद का ब्लॉकचेन हो। और टोकन का मतलब होता है कि जो दूसरे के ब्लॉकचेन पे रन करता है। जैसे आपने बहुत सारे टोकन का नाम सुना होगा, कोई बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे है, कोई इथेरियम के ब्लॉकचेन पे है, कोई जो है बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे है। तो इसी तरीके से बिलव टोकन जो है ये BFIC के ब्लॉकचेन पे था, लेकिन कंपनी ने क्या किया है कि बिलव टोकन को अब बिलव क्वाइन बनाने जा रही है। अब जब बिलव क्वाइन बनाने जाएगी तो जाहिर सी बात है टोकन की सप्लाई बहुत सारा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और क्वाइन की सप्लाई लिमिटेड होती है। और बिलव टोकन का जो टोटल सप्लाई था वो 3 ट्रिलियन था, आप लोग जानते हैं 3 ट्रिलियन था। कंपनी ने हर महीना 10% बर्न किया, और बर्न कर करके टोटल जो लास्ट में बचेगा वो 20 मिलियन बचेगा, सॉरी 20 बिलियन बचेगा। टोटल सप्लाई बिलव टोकन का 20 बिलियन बचेगा। और कंपनी को ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि टोकन को क्वाइन में कन्वर्ट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी है? इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि अगर 20 बिलियन की जो सप्लाई है, और तमाम जितने भी बिलव होल्डर है सबको $2 पे एग्जिट करवाने के लिए टोटल कंपनी को जो है 40 से 50 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए। और ये बहुत बड़ा होता है, जो जिसमें कंपनी को बहुत सारे संघर्ष करनी पड़ती थी। इसलिए कंपनी ने क्या किया कि इसको क्वाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जब क्वाइन में कन्वर्ट हुआ है, क्वाइन का जो है सप्लाई घटेगा तो हमारा भी क्वाइन घटेगा। जी हाँ, जब क्वाइन का सप्लाई लिमिटेड होगा तो जितने भी टोकन हैं उसी के हिसाब से सप्लाई भी दिया जाएगा। मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं। पहला न्यूज़ ये फैलाया जा रहा है कि बिलव जो टोकन है, ठीक है, 100 टोकन के बदले आपको 1 क्वाइन दिया जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर दे रहे, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर दे रहे, लेकिन मैंने उस दिन भी आपको बताया था कंपनी की तरफ से ऑफिशियल कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है। अभी तक ये ही फिक्स नहीं है कि बिलव क्वाइन की टोटल सप्लाई कितनी रहेगी। अगर हमें ये पता हो जाए कि बिलव क्वाइन की टोटल सप्लाई इतनी रहेगी, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन दे सकते हैं। अब जो भी करेगी, मैंने उस दिन भी कहा था आपसे, जो भी करेगी कंपनी अच्छे के लिए करेगी। कंपनी को अपने यूजर से प्यार है, अपनी कम्युनिटी से प्यार है, क्योंकि कंपनी को मालूम है कि अगर कम्युनिटी है तो कंपनी है, कम्युनिटी नहीं है तो कंपनी नहीं है। लेकिन उमर खान सर ने एक चीज़ बताई थी कि लॉस किसी का नहीं होगा, हर कोई प्रॉफिट में रहेगा, हर बंदा यहाँ पे पैसा कमाएगा। बस आप पेशेंस रखिए, कंपनी आपके लिए जो सोच रही है अच्छा ही सोच रही है, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले सोच रहे हैं, आप अपने लिए सोच रहे हैं, लेकिन कंपनी के ऑफिस में 250 स्टाफ, पूरी कम्युनिटी, तकरीबन जो 17 से 18 मिलियन की जो कम्युनिटी है सबके लिए सोच रही है वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अभी तक ये फिक्स नहीं है कि बिलव क्वाइन का जो सप्लाई रहेगा वो कितना है। अभी तक मार्केट में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो मैं आपको बता दूँ कि जितने भी फेक न्यूज़ आ रहे हैं आप उस पर विश्वास मत कीजिए। हाँ, अभी लीडरों से मेरी बात हुई है तो लीडरों ने बताया है कि हो सकता है जो 20 बिलियन की जो सप्लाई है वो घट के 20 मिलियन किया जाए, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि अगर किसी बंदे के पास 10,000 टोकन है, ठीक है, तो जब उनको क्वाइन मिलेगा तो 1,000 क्वाइन दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा न्यूज आ रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोगों ने इस तरह कम्युनिटी को डरा दिया है कि 100 टोकन के बदले आपको 1 क्वाइन दिया जाएगा, 1,00,000 टोकन के बदले आपको 1,000 क्वाइन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, BFIC की जो टोटल सप्लाई है वो आप जानते हैं कि 2,10,00,000 है। उसके बाद अभी जो आ रहा है बी गोल्ड, जिसको आप कह सकते हैं BFIC गोल्ड, ठीक है, BFIC गोल्ड की जो टोटल सप्लाई है वो 210 मिलियन है, ठीक है,
टोटल 21 करोड़ के आसपास 210 मिलियन सप्लाई है। और नेक्स्ट डेक्सा जो कंपनी का खुद का एक टोकन है जिसकी टोटल सप्लाई 10,000 है। तो मेरा जो मान्यता है और मैं जहां तक सोच पा रहा हूं, कंपनी ये सप्लाई को ज़्यादा करेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी 2,10,00,000 की सप्लाई है, ऑलरेडी कंपनी के पास 10,000 की सप्लाई है और कंपनी के पास 210 मिलियन की यह सप्लाई है। तो ये जो सप्लाई आएगी ये मेरे ख्याल से ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि 210 मिलियन से प्लस ही सप्लाई आनी चाहिए मार्केट में, जहां तक मैं मानता हूं। लेकिन आप ऐसा भी कोई न्यूज नहीं आया है, ठीक है। हाँ, मार्केट में बहुत सारे लोग अपने अपने अनुमान के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन हम ऑफिशियल न्यूज पे बिलीव करते हैं। मैंने ट्विटर चेक किया, मैंने कंपनी का टेलीग्राम चेक किया, मैंने उमर खान सर का ट्विटर पढ़ा और मैंने लीडरों के जो ग्रुप्स है उनमें मैंने दिया और कई लीडर से मेरी बात भी हुई है, लेकिन ऑफिशियल ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अभी तक यही तय नहीं है कि बीलब जो क्वाइन है उसकी टोटल सप्लाई कितनी होगी। इसलिए आप लोगों की बात पे बिलीव मत कीजिए, आप गलत फहमी में मत आइए। जो भी सही इंफॉर्मेशन रहेगा वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है। और एक दो चीज और मैं बता दूं आपको कि जब बीलब जो टोकन है और बीलब जो क्वाइन है इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें आप ये समझ लीजिए जैसे सोना और चांदी, जब ये क्वाइन बन जाएगा बीलब तो ये हो जाएगा सोना और बीलब जो टोकन है वो हो जाएगा चांदी, क्योंकि सोना और चांदी कभी भी रेट बहुत अंतर होता है, इस तरह टोकन और क्वाइन का भी रेट अंतर होता है। और जो सबसे बड़ी बात हो जाए ना, टोकन में कभी भी स्कैम हो सकता है, ठीक, टोकन में कभी भी स्कैम हो सकता है लेकिन क्वाइन स्कैम नहीं करता है। आज तक का आप देख लीजिए, बहुत सारी कंपनियां मार्केट से गई है लेकिन आज तक का जितनी भी कंपनियां मार्केट से आउट हुई है सब टोकन में ही लॉन्च किया था और टोकन को ही रन किया था मार्केट में, ठीक है। लेकिन कंपनियों ने एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, बहुत सारे लोग मुझे भी पलान देते हैं तो मुझे हंसी आती है उन लोगों के बात पे। लोग कहते हैं सर कंपनी का खुद का ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज है, तो ये है वो है। मैंने एक लीडर से पूछा था कि भाई ब्लॉकचेन क्या होता है ये बता दीजिए, ठीक है, तो नहीं बता पाए। तो देखिए, आप कंपनी को मत सुनिए, ठीक है, आप सर्च कीजिए, ठीक है। लोग कंपनी आपको बताएगी मेरा खुद का ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन इतना ईजी नहीं है भाई। बहुत सारी कंपनियां कहती है हमारा खुद का डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो ऑटोमेटिक रन करता है। डिसेंट्रलाइज कोई कंपनी नहीं होती है, जितनी भी आपको कहती है ना डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि उसमें कंपनी कुछ कर ही नहीं सकती है। जैसे बिटकॉइन, ये डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, इसमें क्या है, अगर कंपनी चाहे कि इसका रेट बढ़ा दे नहीं बढ़ा सकती है। ये डिमांड और सप्लाई पे, डिसेंट्रलाइज जो है डिमांड और सप्लाई पे जो है काम करता है। डिसेंट्रलाइज में आप ये चाहे कि कंपनी चाहे कि बिटकॉइन का थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दे नहीं बढ़ा सकती है, ठीक है, जिस तरह से हमारा BFIC डिसेंट्रलाइज है। हाँ, डिसेंट्रलाइज में एक चीज होता है कि आप हालविंग करके सप्लाई को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते हैं, रेट नहीं बढ़ा सकते हैं, वो डिमांड और सप्लाई पे रेट डिपेंड होता है। और मैंने मार्केट में एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप जिस संस्था के साथ है, आप जिस कंपनी के साथ है, वाकई में कंपनी बहुत अच्छी है। क्योंकि आप एक चीज रिसर्च कीजिएगा, मेरी बात को आज और से सुनिएगा, एक चीज रिसर्च कीजिए, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आई है लेकिन स्कैम कर दी गई है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री 2018 से चल रही है और कंपनियां के साथ उतार चढ़ाव आया है, ठीक है। कंपनी ने बसा हुआ बहुत सारे दफा ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कम्युनिटी के खिलाफ थी लेकिन उसमें कंपनी की भलाई थी, क्योंकि अगर कंपनी ऐसे डिसीजन नहीं लेती तो आज कंपनी डूब गई होती। क्योंकि हमें एक फैमिली में रहने के लिए मैनेज करके चलना पड़ता है, ठीक है, इसी तरह से कंपनी में आप है तो कंपनी जो भी करेगी आपके लिए अच्छा करेगी। मैं इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से नहीं, मैं आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ कि कंपनी है तो हम हैं। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, स्कैम करने से अच्छा है कि कम पैसा दे, स्कैम करने से अच्छा है कि लॉन्ग टाइम पैसा दे, कम ही दे भाई, लॉन्ग टाइम तो पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप इनोवेशन फैक्ट्री के साथ है, पेशेंस बना के रखिए। अगर आपको बिलअप कॉइन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको टोकन मार्केट से मार्केट में बहुत सारे लोग स्कैम भी कर रहे हैं टोकन के नाम पे, ठीक है, पैसा ले लेते हैं टोकन नहीं लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपका टोकन सप्लाई कर दूंगा, टोकन सेल कर दूंगा, टोकन ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको वाकई में टोकन चाहिए, कॉइन चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप में ज्वाइन होइए, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।